Very good. चेक कर ले बार माइक। माइक तो हटा दिया था। नहीं नहीं है सर, पास में लगा दिया। वो जो शर्ट वाला वो हटा दिया, वो हटा दिया था ना। लगा दीजिए सर, तब तो मैं हाथ रख लेता हूँ। तो इतना कुछ ओके ठीक है जी सर। राइट। दंगा तथा दंगों जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए 7 अक्टूबर 1992 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में द्रुत कार्य बल RAF का गठन किया गया था। समय की कसौटी पर इस बल ने सदैव अपनी सार्थकता सिद्ध की है। देश में आंतरिक शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द में अपने उल्लेखनीय योगदान के कारण इस बल को दिनांक 7 अक्टूबर 2003 को अपनी अलग पहचान स्वरूप राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया था। कानून और व्यवस्था की स्थितियां को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 5 और बटालियंस का गठन किया गया है और आज इसकी शक्ति बढ़कर 15 बटालियन हो गई है। किसी भी प्रकार की स्थानीय शांति एवं उपद्रव के दौरान इस बल की तैनाती ही लोगों को भरोसा एवं शांति जागृत करती है। प्रत्येक टुकड़ी में समर्पित महिला घटकों की उपस्थिति इस द्रुत कार्य बल की लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है। RAF टुकड़ी की भूमिका संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत विदेशों में अर्थात हैती, कोसोवो एवं लाइबेरिया में शांति बनाए रखने में इस बल का विशेष उसको पहचान मिली है। हाल ही में RAF जवानों ने केरल में आपदाग्रस्त लोगों को तत्काल राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान कर सम्मान एवं ख्याति अर्जित की है। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान द्रुत कार्य बल ने ओबेरॉय एवं ताज होटल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। RAF की आवश्यकता हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। अपने चुनौतीपूर्ण समय को देखते हुए इसमें निरंतर अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना है और नई तकनीकी एवं उपकरणों से सुसज्जित होना है। RAF की 26वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं बल के सभी कार्मिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। सुनो, वो तुम्हारा जो है वो फिर शांति अशांति हो गया वो फिर शांति हो गया अशांति की जगह वो कट जा रहा है। सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, आउट लो तुम उसको खत्म करें। मैं तो आज तक मैंने एक बार से ज्यादा कुछ नहीं किया है। आज पहले ही दिन है कि 6 कर रहा हूँ मैं पूरा 15-15, 20-20 मिनट का मैं सिंगल टेक में मैंने सब किया है। पूरे इंटरव्यूज एक एक घंटे के कभी नहीं। ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इससे। इसका प्रिंट आउट ले आओ, फॉन्ट बड़ा कर दिया है ना, और 2 पेजेस में कर लो, बस एक पेज बाय पेज रखना, मैं आराम से पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।